किसने की कि नरवरगढ़ से चिट्ठी आ जाती है, किसके पास? नर सुल्तान के पास, जो कि उसकी धर्म बहन थी। सदनों, नर सुल्तान भात की तैयारी करता है। इस बात का पता उस जानी चोर को भी लग जाता है। बताते हैं, जानी चोर और नर सुल्तान आपस में पगड़ी बदल दोस्त थे। और जानी चोर कहने लगा, रे भाई तने बात की तैयारी कर ली, मेरे पास पता नहीं दिया। मैंने अभी थोड़ा काम होगा था, इसलिए मैं तेरे को नहीं कहने पाया। सदनों, बताते हैं दोनों यार वहां से चल पड़ते हैं। पुराने टाइम थे, पैदल जाना होया करता था। चलते चलते क्या होता कि शाम हो जाती है और एक दरिया जाती है। और नर सुल्तान कहने लगा, भाई तू सामान के पास बैठ और मैं जंगल पानी होके आता हूँ। सदनों, जानी चोर उस सामान के पास बैठ जाता है और नर सुल्तान जंगल पानी होने के लिए चल जाता है। क्या होता है, जंगल पानी होके जब हाथ धोने लगा तो उस दरिया में एक तख्ती बहती आई, वो लकड़ी की तख्ती। दूसरी तख्ती आई, वो भी लकड़ी की। जब तीसरी तख्ती आई तो नर सुल्तान ने उसके अंदर बड़के पानी के मां उस तख्ती को निकाल लिया और कार्ड कहने उस पर लिख रखा कि मैं एक हिंदू की औरत हूँ, मेरा नाम नार महकते है कोई छतरी जाम जो मेरे को छुटा ले। सदनों, ये बात नर सुल्तान से नहीं सहन हुई। आके ने अपने यार को बात बताता है कि भाई आया बात से। वो जैनी चोर कहने लगा, भाई तू भात भर का और मैं उसकी कैद में छुटा के लाऊंगा। नर सुल्तान कहने लगा, ना भाई, पहले हम उसकी कैद में छुटाओगे, बाद में भात भरा जाएगा। वो जैनी चोर कहने लगा, अरे वहां तो तेरी धर्म बाण है, तने तो उसका पक्का जाना होगा। अरनू पे आकर कह, बाण ने तो भाई कितना प्यारा होया करे, और तू तो धर्म का भाई है, तन तो भाई जाना होगा। लेकिन नर सुल्तान नाट जाता है। तो जानी चोर कहता है, भाई कोई सुखी कोई दुखी जगत में दुख किस किस का निर्वाण लेंगे, और काम कर पाछ से पहले भात भरने चल लेंगे। इतनी बात जब नर सुल्तान ने सुनी, तनु कहने लगा, भाई ठीक है मैं भात भरकाता हूँ और तो उसकी कैद छुटा जा। बोला, भाई ठीक है। सदनों, बताते हैं जानी चोर ने अपने यार नर सुल्तान को ये कह दिया कि भाई तेरे पास मैं उसी टाइम खाना पीना करूंगा जब मैं नार महकते की कैद छुटवा लूंगा। अब बताते नर सुल्तान भात भरने के लिए चला जाता है और इधर जानी चोर उस नार महकते की कैद छुटाने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते क्या होता है कि जो बेगम का बाग था उसमें पहुंच जाता है। बताते हैं वो मालन उस बेगम के लिए हार देने के लिए गई हुई थी। इधर जानी चोर ने ताला तोड़ा तोड़ के और बाग में एक जामुन के पेड़ के नीचे सो जाता है। कया के नथिया ने डाल दी थाली, चली झटपट करके तैयार, उन्हें सुरत भजन में ला ली। श्री धनपत सिंह समर जमुआ ने दुनिया में शाबाश पाया, फल फूल पत्ते झड़े हुए होया बाग का नाश पाया, और जामुन के पेड़ के नीचे सो ताबद मास पाया, इस रंज ने काया खा ली। सदनों, आके मालन देखती है तो जानी चोर चादर ताने सो जाता है। आके रुके मारती है और आपस में क्या सवाल जवाब होते वाला।
छाया में फरक या जतन मालन जानी कोन्या बाग जलाना बेगम काके सुनी पठानी कोन्या ये बेगम बाग कारी मेल करे किसी और अंगहनी हो नरी बेगम बाग का मेल करे किसी और अंगहनी कोन्या मन अंगहनी कहे डेड खुद मन अंगहनी कहे डेड खुद आंदे अब अंगाया तेरे कमरे तलंग नहीं छेड़े दस्तर लाया तोड़ी बड़ा बाका में कूद करे ते आया वो कोई मुसफर सोजा मलन देख कसीली छाया री मलन वो कोई मुसफर सोजा मलन देख कसीली बाग बगीचे धर्मशाला में ठहर हैं लोगे व्यवहारी बाग जनाना बेगम का जो इब तक फिरे कवारी मत भले घर का बेटा मलने नाटक चोरी सवारी री भले घर का बेटा मलने नाटक चोरी सवारी कहे खाम था चोर बता मालन तेरा के खाया आना तोड़ी बड़ा बागा में कूद करे ओ कोई मुसाफिर सो जा मालन देख सीढ़ी छाया वो कोई मुसाफिर सो जा मालन देख सीढ़ी चोर बनाना ताला टूटे मैंने साकड़ खूब जड़ी थी मलन में चोर ने चोर का भाई लेकिन मैं सो ताले तोड़ दूं परदेसी कति झूठ क्या लाग रहा है क्यों मैंने अपने घर का पूरा इंतजाम कर रखा था जो काम तो कोई चोरे कर सका है इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता नहीं कर सकता कोई कति नहीं कर सकता इसका जवाब मैं दूंगा तेरे साकड़ ताले ना तोड़े तेरी फटक खुली पड़ी थी हार देने गई महल तलक गुल लाई डेढ़ घड़ी थी मत भूल कब पड़ गया पगा में मेरी साथ न अकल हरी तेरी भूल कब पड़ गया पगा में मेरी साथ न अकल हरी चक्र दो फरी खाम पड़े किके मर जा बारिश के साया ताला तोड़ी बड़ा बागा में निकले तनाया वो कोई मुसाफिर सो जा मलन देख कसीली छाया वो कोई मुसाफिर सो जा मलन देख कसीली Thank you.
देता तुरंत जवाब मेरी रोजाना यही कार से कर दिया हाथ मर्द पबता देरी मालन किसी नर्सरी तन कर दिया हाथ मर्द पबता दे मालन किसी नारी से के धनपत सिंह तने पीटूंगी जे बिना बात गिर काया उल्टी हटू की टैगी पता